हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक डायरी का कवर तैयार करेंगे, या जो खाता बुक हमारा रहता है उसका कवर आप कह सकते हैं, वो हम तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये एक डायरी ही है, लेकिन देखिए ये हम जो दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते वक्त जिस डायरी का हम ओपनिंग करते हैं या जिस डायरी की पूजा करते हैं उसके लिए मैंने ये कवर बनाया है इस तरह से। और उसी के साथ मैंने उसी के मैचिंग थोड़ा सा मेल खाता हुआ एक बुकमार्क भी तैयार किया है। तो ये आप किसी को गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं। और जल्द ही लक्ष्मी पूजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली के मौके पे इसे देने के लिए ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम आपका बन सकता है। या तो अगर कि आपके किसी फ्रेंड को बुक्स पढ़ने का शौक है तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हो, और ये बुकमार्क भी आप बना के उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने और एक डिजाइन बनाया है, यहाँ पे मैंने उसे पाइपिंग अटैच की है, बाकी सिलाई का तरीका दोनों का सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे मैंने इस बॉर्डर की जगह पे वो जो कपड़ा था उसका ही बॉर्डर था गोल्डन, उसी का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है काटते वक्त। तो दोनों का सिलाई करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक का पीस लिया है, ये साउथ कॉटन सिल्क का फैब्रिक है। ये अप्रोक्सीमेटली 15.5 इंच है और यहां से 10.5 इंच, तो ये 15.5 इंच बाय 10.5 इंच का फैब्रिक लिया है। और 5 mm का स्पंज शीट है और लाइनिंग का पीस, और उतने ही मेजरमेंट का ये मैंने एक ब्लाउज पीस का सादा सिंपल कपड़ा है, पॉलिएस्टर का या कॉटन का जो भी आप लेना चाहे, और उसे मैंने अंदर से फ्यूजिंग पेपर या फ्यूजिंग कैनवास जो हम बोलते हैं पेपर कैनवास, वो चिपकाया है। और इस कपड़े को पहले मैं अब क्विल्ट करूंगी। तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने क्विल्ट कर लिया है, और अब जो भी हमारी डायरी है उसे मैं इससे कवर करूंगी। तो मैं पहले उसका मेजरमेंट लूंगी, अब देखिए इस तरह से, और जितना भी एक्स्ट्रा का पीस है यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और मार्किंग करूंगी। और नीचे की तरफ भी, वैसे तो ये ज्यादा नहीं है पर क्या होता है कभी कभी क्विल्ट करते वक्त वो कम ज्यादा हो जाता है। तो ये मार्किंग्स मैंने कर ली यहाँ पे, तो इस तरफ तो मैं ऐसे तो उसे मैं काट लूंगी। और अब हमें हाइट का भी जितना चाहिए उतना रख के फिर उसे काट लेना है। और देखिए यहाँ पे 1/2 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे, और ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो काट लेंगे यहाँ पे। अब इसका हम फ्लैप तैयार करेंगे पहले। तो फ्लैप तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जो 10 इंच बाय 3/4 इंच की है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी, तो ये मैंने यहाँ पे इसका मिडिल भी मार्किंग कर लिया। अब 1.5 इंच का हमें फ्लैप बनाना है, 1/4 इंच दोनों तरफ से मैं
मार्किंग करूंगी। यहाँ से भी थोड़ा मैं कम करूंगी, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, 4 इंच रख के मैं काट लूंगी। इस तरह से कर्व शेप में दे दूंगी और यहाँ पे हम, तो इस तरह मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे मैग्नेटिक बटन उसे जोड़ेंगे, सीधी साइड से जोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। और अब यहां से हमें उसे इस तरह से सिलाई करनी है। और यहां पे हम दाब सिलाई कर देंगे उसे इस तरह से। और अब ये जो हमारा पीस है उसे हम मिडिल की मार्किंग करेंगे यहाँ पे, किसी भी एक और आपको मिडिल की मार्किंग करके लेनी है यहाँ पे, और इसकी भी मिडिल मार्किंग करेंगे हम। और इस तरह से बटन दिखना चाहिए, इस तरह से हम यहाँ पे उसे अटैच करेंगे। और यहाँ पे एक और मैं अब उसे लेस लगाऊंगी, इस तरह से मैंने एक लेस ली है, तो देखिए ये है हमारी डायरी, इस तरह से बंद होगी, तो ये जो हिस्सा है वो हमारा नीचे का हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पे एक और पे नीचे की तरफ थोड़ा इस तरह से, तो ये जो रॉ एज है उसमें सिल जाएगी और ऊपर की तरफ हल्का सा इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे एक उसे स्टिच कर देंगे। अब यहाँ साइड में हम दोनों उसके लिए फ्लैप लगाएंगे, जो हम अंदर की तरफ उसका कवर डालते हैं वो, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस काट लिए हैं मेन फैब्रिक के ही, और इसका मेजरमेंट है 6.5 इंच भाई, ये भी 10.5 इंच है, ये थोड़ा ज्यादा है, इसे भी मैंने अंदर से फ्यूजिंग कैनवास लगाया है। और इसे हम इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करेंगे और सीधी साइड पे ही ऊपर की तरफ इसे जोड़ देंगे इस तरह से, और इसे भी बीचों बीच फोल्ड कर देंगे हम और यहाँ पे जोड़ देंगे दूसरी ओर, और एक्स्ट्रा का जो भी हिस्सा है उसे काट लेंगे। और अब ये जो हिस्सा हमने तैयार किया है उसे हम इस तरह बिछाएंगे उस पर, देखो सीधी साइड्स दोनों की एक तरफ मैंने रखी है, और यहाँ पे हम उसे चारों ओर से सील देंगे, और या जिस ओर हमने फ्लैप जोड़ा है, देखिए इस ओर से हमने उसे फ्लैप जोड़ा है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड में हम इतना गैप छोड़ेंगे और यहां से पूरा यहां तक सिलाई करके यहां तक हम सिलेंगे, तो जिस तरफ हमने फ्लैप जोड़ा है उसके अपोजिट साइड में 4 इंच का गैप छोड़ के पूरा चारों ओर से सिलना है इस तरह से। अब ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा है वहां से हम उसे सीधा करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब हमें थोड़ा इसे हम सीधा कर लेंगे, ये जो हमारी फ्लैप्स है वो, और अब ये जो हमारी बुक है उसे मैं पहले यहां इसमें डाल के ट्राई करूंगी। देखिए इस तरह से मैंने उसे डाल दिया है, और यहाँ पे फोल्ड करके ये जो हमारा बटन है वो कहाँ पे लगेगा उसका पहले हमें अंदाजा लेके यहाँ का प्रेस बटन पहले हम लगाएंगे, और फिर जो ओपनिंग हमने छोड़ी है उसे हम बंद करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से,
यहाँ पे हम पहले मैग्नेटिक बटन लगाएंगे। ये बटन हमारी लग गई और अब पहले हम यहाँ पे इसका जो ओपनिंग हमने छोड़ा है वो क्लोज करेंगे। यहाँ पे और अब इसे हम अंदर की तरफ पलट देंगे अच्छे से। तो ये ओपनिंग भी बंद हो गई हमारी यहाँ पे और पूरी एक हम दाब सिलाई यहाँ पे साइड से कर देंगे। तो ये हमारा कवर बनके तैयार है यहाँ पे। और ये जो एक लेस का टुकड़ा बचा है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ताकि वो थोड़ा मैच हो जाए। तो चिपकाने के बाद मैंने ऊपर से आयरन भी कर दिया है तो वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कवर बनके तैयार है। अब हम इसके लिए एक बुकमार्क तैयार करेंगे। बुकमार्क बनाने के लिए मैंने 4x4 इंचेस के 3 स्क्वायर्स काटे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट कलर का है और 2 सेम फैब्रिक में। अब उसमें से एक को हमें डायगनली फोल्ड करना है त्रिकोणाकार में और इस तरह मैं कॉन्ट्रास्ट कपड़े पे उसे रख देती हूँ और ये कपड़ा उस पर सीधी साइड से रखना है। सिंपल है। तो इस ओर जहां पे हमारा त्रिकोणाकार मैंने रखा है तो उस ओर मैं यहाँ पे गैप छोड़ूंगी तो यहाँ पे और पूरा यहां से यहां तक सिल दूंगी इस तरह से और साइड से ट्रिम करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। यहां से गैप छोड़ा है वहां से और अब यहाँ पे हम उसे पहले स्टिच करके बंद करेंगे जो ओपनिंग हमने छोड़ी है। उससे पहले इसके अंदर मैं ये बकरम का एक टुकड़ा डालूंगी ताकि वो स्टिफ हो जाए। और उसे सेट करने के बाद हम उस पर आयरनिंग कर देंगे। और अब पहले हम यहाँ पे एक स्टिच करेंगे उसे यहाँ पे। तो ये स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरह पलट देंगे अंदर की तरफ। और चारों ओर से एक दाब सिलाई कर देंगे हम उसे। तो इस तरह से ये बुकमार्क आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डायरी कवर या बुक कवर के फ्रेंड्स ये बनके तैयार हैं और ये हमने उसके लिए बुकमार्क भी बनाया है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।